हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है थर्सडे मॉर्निंग, तो सुबह का टाइम है। यहाँ पे हस्बैंड ऑफिस के लिए जा चुके हैं, हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है। तो मेरी चल रही है यहाँ पे क्लीनिंग। तो पीछे साइड बालकनी में आजकल ना धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा ही आती है, क्योंकि आंधी तूफान चल रहा है और अब बरसात का मौसम आ गया है, तो धूल मिट्टी और कूड़ा कहीं से भी उड़ के आ जाता है। इसलिए यहाँ पर मुझे डेली झाड़ू लगाना पड़ता है। तो मेरा ज़्यादातर काम तो हो ही चुका है, 80% मेरा काम डन है क्लीनिंग का। बस मुझे डस्टिंग वगैरह करनी है, झाड़ू पोछा मैंने सब लगा दिया है और आजकल सारा काम जल्दी हो रहा है। और काम कंप्लीट करने के बाद ये सारे कपड़े मुझे फ़ोल्ड करने हैं। एक्चुअली ये मैंने कल धोए थे और कल के बाद से मुझे फ़ोल्ड करने का टाइम नहीं मिला, तो मैंने बाहर वाले रूम पे रख दिए थे। अभी अच्छी तरीके से सूख चुके हैं, तो इनको फ़ोल्ड करके अरेंज करूँगी। और आपको कारपेट दिख रहा होगा, आजकल मैं कारपेट नहीं बिछा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वाले व्लॉग में भी बताया था, आई थिंक लूसी के बाल बहुत निकल रहे हैं आजकल, और कभी कभी ना वो सुसुक भी कर देती है अंदर। तो इसलिए अगर उसने कर दिया ऐसा काम, तो फिर पूरा कारपेट धोना पड़ जाएगा और बहुत मेहनत लग जाएगी, इसलिए आजकल हम लोग नहीं बिछा रहे हैं। गुड मॉर्निंग, सुबह के 10:45 बज गए और मैंने सारी क्लीनिंग वगैरह कंप्लीट कर ली है, घर के सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं और लूसी आ चुकी है, तो ये खेल रही है। मैं इसको घुमा के आई एक बार बाहर। बाहर ना आजकल बहुत तेज धूप हो रही है, पिछले 3-4 दिन से देहरादून में फिर से गर्मी होने लगी। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, वो मुझसे पूछते थे कि यहाँ गर्मी नहीं होती क्या। यहाँ गर्मी होती है, वैसे हम भी पहली बार ही आए हैं देहरादून रहने के लिए, तो गर्मी आजकल 3-4 दिनों से लग रही है। बीच में एक बार और हुई थी जब बारिश हुई थी ना खूब सारी, तो उससे पहले कुछ दिन गर्मी हुई थी, लेकिन उसके बाद वेदर अच्छा हो गया था। लेकिन अब जो है बारिश नहीं हो रही है 3-4 दिन से, तो और गर्मी होने लगी है। तो यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा अप एंड डाउन होता रहता है, लेकिन इतनी एक्सट्रीम लेवल की गर्मी नहीं होती यहाँ, जैसे दिल्ली NCR में होती है ना, उस टाइप की गर्मी नहीं होती। थोड़ा सा कम रहता है टेम्परेचर, मतलब कि झेलने लायक गर्मी हो जाती है। तो सुबह सुबह सारी क्लीनिंग वगैरह मैंने कर ली। आज हमने योगा किया था 40 मिनट हम दोनों लोगों ने, सुबह 6:30 बजे उठ गई थी मैं, और उसके बाद योगा वगैरह किया, लंच बनाया, हस्बैंड ऑफिस गए आज, और बाकी मैंने अपने काम कर लिए। कपड़े आज मैं नहीं धुलूंगी, क्योंकि कपड़े हर 3 दिन के बाद धोती हूँ, मतलब कि हर तीसरे दिन धोती हूँ, जब हस्बैंड ऑफिस नहीं जाते हैं ना जिस दिन, तो उस दिन उनके सारे हस्बैंड के ऑफिस के सारे कपड़े मैं धुलती हूँ मशीन में डाल के, और घर के जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं सारे एक ही साथ धुल जाते हैं, तो इसलिए मैं रोज रोज का टेंशन नहीं लेती हूँ कपड़े धोने का। और इधर सारे बर्तन क्लीन हो चुके हैं, तो ये ना मॉर्निंग में मंगाए थे, एक रस का पैकेट और 2 मनैको, एक ये है एक ये है। तो मनैको तो हमारा चलता ही रहता है, हर वीक तो हम लाते ही हैं। आज छोटे वाले लेके आए 2 पैकेट और रस खत्म हो गया था, तो ये लेके आए हैं। इसमें मैंने आरओ का पानी भर के रखा हुआ है और खाना मैंने बना के रखा है, तो मुझे खाना बनाने की जरूरत नहीं है दोपहर में। और आज क्या हुआ, आज मॉर्निंग में हमने टॉप रमन बनाई थी, एक्स्ट्रा हो गई वो, और वो इतनी एक्स्ट्रा बच गई, और ये लूसी भी नहीं खाती है, लूसी नूडल्स वगैरह नहीं खाती, तो ये हमें खाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं खा पाऊंगी तो मैं थ्रो कर दूंगी। और आज मटके के नीचे मैंने रख दिया है एक कैरी बैग, ये एक्चुअली जूट का कैरी बैग है जो बिग बाज़ार में मिलते हैं ना, वो मेरे पास काफ़ी सारे रखे हुए हैं, हम लोग वहाँ से सामान मंगाते रहते हैं, तो वो मैंने रख दिया है। क्योंकि इसके नीचे रखने के लिए मुझे कोई बर्तन नहीं मिल रहा था इस तरह का कि जिसके ऊपर मैं मटका रख सकूँ, लेकिन इसके ऊपर रखने के बाद भी ये काफ़ी अच्छी तरीके से स्टेबल हो चुका है।
चाय बन चुकी है और चाय लेके मैं आ गई हूँ टीवी वाले रूम में। थोड़ी सी ली है मैंने, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि आजकल थोड़ी सी गर्मी हो गई है ना, तो गर्मियों में चाय कम पीनी चाहिए, क्योंकि योगा करने के बाद थोड़ी सी भूख लगती है, इसीलिए मैं चाय ले लेती हूँ। और चाय के साथ में मैंने लिए हैं 2 रस्क और मेरे फेवरेट मनेको बिस्किट। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है स्नैक्स खाना शाम के टाइम पे। और आज मैं बना रही हूँ बैगन का भरता। एक्चुअली मैं कल बनाने वाली थी, लेकिन कल मैंने कुछ और बना लिया, एग बनाया था, तो आज बना रही हूँ मैं। और इसका शेप देखिए किस तरह का है, जैसा वो नहीं होता हार्ट, दिल की तरह का लग रहा है ये इस तरीके से। तो आप लोग बताना लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। चलो देखते हैं कट करके कि अंदर से सही है कि नहीं, कहीं खराब तो ना हो, इसलिए पहले कट करके देखना पड़ेगा। बैगन फ्राई करते करते मैंने आटा भी गूंथ के रख लिया है और ये भी अच्छी तरीके से हो चुका है। तो जब ये ठंडा हो जाएगा मैं इसको पील ऑफ करके इसका भरता बनाऊंगी। बैगन का भरता अच्छा लगता है, लेकिन मैं कभी कभी बनाती हूँ, क्योंकि बैगन ना हम लोग कम खाते हैं, वैसे बहुत ज्यादा नहीं खाते। और मेरा इवनिंग का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे काढ़ा बना रही हूँ मैं हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो जस्ट अभी ऑफिस से आए हैं। और सब्जी बन चुकी है, आटा भी मैंने गूंथ लिया है, और बाहर से मैं एलोवेरा तोड़ के लाई हूँ 2। ये मुझे हेयर मास्क लगाना है। एक्चुअली काफ़ी दिनों से ना हेयर मास्क लगाया नहीं है, तो इसलिए मैंने आज 2 एलोवेरा तोड़ लिया। आजकल थोड़ा अच्छा हो रहा है एलोवेरा मेरे दोनों प्लांट्स पे। तो खाना वगैरह बनाने के बाद मेरा किचन भी एकदम क्लीन है। हस्बैंड आ गए हैं ऑफिस से और ये सारा टिफिन विफिन मैं तुरंत के तुरंत वॉश कर देती हूँ। और थर्मस भी है पानी वाला और चाय वाला, चाय भी लेके जाते हैं। एक कप चाय दे देती हूँ, 1 या 2 कप, प्लस स्पून भी देती हूँ मैं साथ में, क्योंकि वहाँ से स्पून से कैसे खाएंगे ना, क्योंकि मैं चावल देती हूँ टिफिन के लिए, तो वो तो हाथ से खा नहीं सकते, इसलिए स्पून देती हूँ मैं। तो अभी मैं आई हूँ दिया जलाने के लिए, और ये है हमारा चांदी का हाथी, बहुत छोटा सा है, इतना सा एक बार हमने लिया था अक्षय तृतीया पे लिया था, मैं इसको खोल के दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा सा है। तो ये रहा हमारा छोटू सा एलिफेंट, सिल्वर एलिफेंट है ये, और एलिफेंट को घर पे रखना मतलब शुभ माना जाता है, इसलिए हमने लिया था वास्तु के हिसाब से चांदी का या फिर सोने का। अब सोने का तो रख नहीं सकते, इसलिए हमने चांदी का ले लिया था। कितना प्यारा लग रहा है ना, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना जरूर।
व्लॉग आई थिंक थर्सडे से चल रहा है और आज हो चुका है सैटरडे, सुबह के 10:30 बज रहे हैं और मेरे सारा काम कंप्लीट हो चुका है, किचन वगैरह का क्लीनिंग एकदम डन है और बाहर रात को हल्की सी बारिश हुई थी तो वेदर अच्छा है, लेकिन अंदर ना थोड़ी सी ह्यूमिडिटी हो गई अब। तो ये व्लॉग बहुत लंबा होने वाला है इसलिए मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ और नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अगर ये व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।